फ्रेंड्स, आपके पास भी SBI का नेट बैंकिंग है और आप SBI नेट बैंकिंग में कोई एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक मोबाइल नंबर को चेंज कर रहे हैं या कोई अपना होम ब्रांच ट्रांसफ़र कर रहा, कोई चेकबुक को ऑर्डर कर रहा, तो इस सभी के लिए प्रोफाइल पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करने के बाद सारे वहाँ पर ऑप्शन ओपन होकर आते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जैसे प्रोफाइल पासवर्ड इंटर कर रहे तो इनवैलिड प्रोफाइल पासवर्ड का एरर हो रहा, हालांकि इन जो प्रोफाइल पासवर्ड है सही है फिर भी इनवैलिड क्यों दिखा रहा। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो चुका है, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे रिजॉल्व किया सारे यहाँ पर ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक ही पार्ट को आप मिस मत करना, अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लिए हमेशा प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और सर्च का जो ऑप्शन है इस पर सर्च करना है। ठीक है, सर्च करना है सिंपल SBI नेट बैंकिंग। आप कोई से ब्राउजर को यूज में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं क्रोम को ज़्यादा रिकमेंड करूँगा क्योंकि सेफ ब्राउजर है। और यहाँ आपको पर्सनल बैंकिंग के ऊपर टैप करना है, एक नया इंटरफेस आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। यहाँ पे छोटा सा लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर लॉगिन एंड ऑप्शन पे टैप करेंगे, एक और नया पेज आपके स्क्रीन पर आएगा, उस पेज को थोड़ा सा जूम करेंगे तो कंटिन्यू टू लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा, इस पर टैप करेंगे। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे मैं लॉगिन का जो भी कंप्लीट प्रोसेस है उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट सेटअप कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए, मेरे यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया है नेट बैंकिंग का। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करेंगे एंड यहाँ पे दिखाएंगे प्रोफाइल पासवर्ड क्यों इनवैलिड बता रहा। जैसा कि मैंने प्रोफाइल पे टाइप किया, यहाँ पे टाइप करने के बाद माय प्रोफाइल पर हम जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ प्रोफाइल पासवर्ड की रिक्वायरमेंट मुझे पड़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि माय प्रोफाइल पर टाइप करने के बाद ही प्रोफाइल पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर आता है। ठीक है, अब यहाँ प्रोफाइल पासवर्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके यहाँ प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करना है। चलिए, मैं यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड को भी इंटर कर ले रहा हूँ। जैसे मैं सबमिट पर टाइप कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एरर आ चुका है ऊपर का साइड, इनवैलिड योर लेफ्ट विथ इन टू मोर अटेम्प्टेड प्रोफाइल पासवर्ड इज इनवैलिड। ऐसा क्यों आ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो फ्रेंड सिंपल घबराना नहीं है, यहाँ नीचे में एक मिलेगा ऑप्शन फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर सिंपल टैप करना है। इस पर टैप करोगे यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड आएगा, यानी OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पर, उस नंबर पर उस OTP को अपने इस बॉक्स के अंदर फिल कीजिएगा और फिल करके सबमिट पर टैप करेंगे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, वेट करेंगे। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेगा, यूजिंग हिंट क्वेश्चन बाय विजिटिंग ब्रांच, अप्रूव थ्रू ATM डेबिट कार्ड। आपको लास्ट ऑप्शन को चूज करना है, अप्रूवल थ्रू ATM डेबिट कार्ड, जो कि बहुत ही ईजी है, इसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद एक नया पेज आपके स्क्रीन पर शो होगा, यानी सेव अकाउंट आपका शो हो जाएगा। सारे को इग्नोर करके प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे टैप करना है। यहाँ पे थोड़ा सा और वेट कीजिएगा, एक नया इंटरफेस और ओपन होगा जिसमें आपको कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे शो होंगे। इस कार्ड को चेक मार्क करके नीचे कन्फर्म वाले ऑप्शंस पे आपको टैप करना होगा सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। एंड यहाँ मिलेगा कार्ड होल्डर नेम, पिन, एक्सपायरी डेट, यहाँ पे कैप्चा को भी फिल करना होगा। पिन वाले ऑप्शंस के अंदर आप वो पिन इंटर कीजिएगा जो आप डेबिट कार्ड से ATM मशीन से विड्रॉ करते टाइम जो पिन आप इंटर करते हो, उसी पिन को यहाँ पे इंटर करके प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे टैप करेंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स लोडिंग लेगा एंड यहाँ पे एक नया पॉपअप आएगा, यानी रेफरेंस नंबर से होगा। यहाँ पर आपको बैक बटन को प्रेस नहीं करना है, बस वेट करना है। वेट करोगे ये पेज ऑटोमेटिक रिलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पेज ऑटोमेटिक यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर लेके चला गया, जहाँ इंटर प्रोफाइल पासवर्ड, कन्फर्म प्रोफाइल पासवर्ड, हिंट क्वेश्चन, हिंट आंसर, इस तरीके से ऑप्शंस मिल जाएगा। सारे को फिल करना है, दोनों में आपको एक ही पासवर्ड इंटर करना है, दोनों बॉक्स में यहाँ आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना, उसका आंसर भी दे देना और सबमिट पर टैप करना। चलिए, मैं सारे बॉक्स को सही से फिल कर लेता हूँ। जब सारे डिटेल्स को फिल कर लोगे, नीचे सबमिट पर डायरेक्ट टैप करना है, इस पर टैप करोगे, थोड़ा सा फ्रेंड्स लोडिंग लगा। यहाँ पर देखिए, योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली, आपका प्रोफाइल पासवर्ड सक्सेसफुल सेट हो गया है। अब आप जब भी कोई एक्टिविटी करना चाहोगे तो आपको यही प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करना होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो हम इस वीडियो के यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।